आज ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा ने विशेष तौर पर जिला पठानकोट में पहुंच अरुणाचल प्रदेश में शहीद अक्षय पठानिया के घर पहुंचकर जहां उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान बिट्टा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शहीद कभी मरते नहीं, वह देश के लिए अमर हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब राज्यों में दिन प्रतिदिन खालिस्तानियों की गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दीजिए और कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं आज आप? तो आज तो मैं सिर्फ पठानिया जी के आया हूँ। मैंने आना था जब उनकी शहादत हुई, उस वक्त कोई सुरक्षा के हालात ऐसे थे, मैं आज आया हूँ परिवारों को मिलने। और आज के दिन ये बात जरूर कहना चाहूँगा, एक तरफ पठानिया जी जैसे बहादुर जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, और ये पठानकोट का एरिया आसपास सब कुर्बानी शहादतों से गांव के गांव भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, एक तरफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, और दूसरी तरफ इस मातृभूमि इस पंजाब की धरती के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं, ये चाहते क्या हैं? इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पंजाब का गांव है ना, जब शहादत का जाम पी के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई थी जा रही थी, तो हर घर से, हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज़ निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो, या आप खालिस्तानी हो, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पन्ने वालों के जहाँ खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? आपके अंदर अगर खालिस्तान बनने की बात है, आप इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, तो जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिख मेरी बहन प्रिंसिपल जिसका आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बना के शहीद कर दिया, 25 से ऊपर कई साल पहले हमारे सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया, काबुल कंधार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, आतंकवाद के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ एक होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करे। ये पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो आने वाले टाइम पे पंजाब के हालात फिर खराब होंगे, इनको कोई ठीक नहीं फिर कर सकता। अगर अब खराब हुए, बड़े खून बहा के हम सब ने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, एक नहीं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सीपीएम भी, सीपीआई, सब ने कुर्बानी देके इसको पंजाब को अमन शांति दिया। अगर अब पॉलिटिकल पार्टियां खुल के बुलंद होके कुर्सी मिले ना मिले, वोट मिले ना मिले, सरकार मिले ना मिले, हमें पंजाब को अमन शांति इसकी रक्षा करनी है,
तब जाके होगा। अगर आतंकवादियों के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, इसको आतंकवादी भुल्लर को बचा दो जो मेरे पे बम चलाने वाला है, खालिस्तान बनाएंगे, गीता को बनाएंगे। अरे गीता जी कहाँ से आ गई भैया, इनको पूछना चाहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता है हरिमंदर साहब के अंदर, खुले तौर पे को काफिर आता है। पहली बार जिंदगी में हुआ जब से हरिमंदर साहब का नींव पत्थर रखा गया, वहां जाके एक अंदर चले जाता है जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। आप हैरान होंगे, बाकी सारे मुद्दे ज्यादा है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, हम फलाने की रिहाई कराएंगे, हम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पर जिसने हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब हरिमंदर साहब जाके अपमान किया, वो वाजे ही सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बंद होगी 10 दिन के अंदर। बताओ किसी ने आवाज उठाई? मैं प्रेस वाले से पूछता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब है तो हम हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब पे आंच आती है, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं अगर उसका अपमान होता है। कभी ब्लू स्टार ऑपरेशन पे अपमान होता है, कभी ऐसे कर जाता है। बताइए कोई मेरे से सवाल पूछ ले, क्या 8 दिन 10 दिन के बाद आज तक जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने की खुले तौर पे सब चैनल में आया, कोशिश की, क्या कहीं से आवाज उठी कि ये कहां से आया था, इसको किसने भेजा था, इसको पाकिस्तान ने भेजा था, हिंदुस्तान ने, किसी व्यक्ति ने शरारत करके भेजा था कि हिंदुस्तान के हालात खराब हो, पंजाब के हो? बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, बताइए किसी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब के अपमान का इंसाफ मिलना चाहिए? ये बात गीता जी की करते हैं, गीता भी हमारे लिए सामान्य है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, गुरु ग्रंथ साहब हो, गीता जी हो। अरे गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए तो आप चुप रहे, अब आगे गीता जी के ऊपर कि गीता जी को बुलाना अगर तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां से गीता जी को बुला दोगे? हमारे नस नस में गीता जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब हमारे हृदय में, हमारे सिर पर ताज है, आप उसके लिए तो चुप रहे। और दीप संधू की डेथ के ऊपर आपने नारे लगा दिए। मैं फिर कहूं खालिस्तान कभी नहीं बन सकता, जितना हमारा बचा हुआ बोनस का जिंदगी का जीवन है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जमाने बंद हो जाए, हमें सबका साथ है घर बैठे हुए। जितनी इधर जीवन है ना बोनस का, मैं कभी नहीं बोला इतने सालों से, कब हम दुकानदारी नहीं करते, हम चलेंगे। पर आज मैं फिर निकला हूँ, पंजाब में इलेक्शन हो गई, कुर्सी सत्ता मिलेगी मिले, लोगों को मेरा यकीन है कि मैं कुर्सी सत्ता